दिवाली की सफाई चालू हो चुकी है और भाइयों इस दौरान हमारे घर के अंदर से निकला है एक पुराना डीवीडी प्लेयर। अब डीवीडी जो है मार्केट में मिलती नहीं है तो वो यूज लेस हो चुका था और घर वाले उसको कबाड़ी के पास ले जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक होम थिएटर में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसको मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद में जो मार्केट में मिलते होम थिएटर उसी टाइप से इसको बजाया जाए। और भाई आपको यकीन नहीं होगा इसको मैंने बनाया और जब बजाया ना तो काफी शानदार आवाज आ रही थी क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड होता है। पुरानी मशीनें होती ना काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो फटाफट से चालू करते वीडियो को और मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे बनाना है आपको। ये एक खराब डीवीडी प्लेयर और इससे बनाने वाले हम होम थिएटर, तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो मैं जो वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप सभी को उसको फॉलो करके आप काफी कम रेट के अंदर होम थिएटर बना सकते हो। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए कोई स्क्रू नहीं दिए गए तो डायरेक्टली मैंने ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी जंजाल दिखेगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सर्किट देखेंगे। ये वाला जो सर्किट देख रहे हो आप जाके 220 वोल्ट डायरेक्टली आ रहा है, ये हमारा जो है इसके अंदर पावर सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा इस टाइप का सर्किट दिखेगा जो कि हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है। इसको पहचानते कैसे हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारा मेन चीज़ है। इसके अंदर आपको काफ़ी कंपोनेंट्स दिखेंगे जैसे कि कैपेसिटर बहुत सारे देखेंगे। तीन वायर इसके अंदर यहाँ पर आ रहे होंगे जो कि ऑडियो इन के तीन वायर है, आप इस टाइप से पहचान सकते हो। या फिर पीछे की साइड में आप देख सकते हो जहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होते हैं वो जो कनेक्टर है वहाँ से डायरेक्टली वायर जो है हमारे इस एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, तो ये भी आप इससे देखकर पहचान सकते हो। तीसरा तरीका ये कि आप वॉल्यूम जो बटन होते हैं उसके वायर डायरेक्टली इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर बोर्ड आप इस टाइप से पहचान सकते हो। अब भाई एम्पलीफायर बोर्ड पहचानने के बाद जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें नहीं चाहिए वो हम सब हटा देंगे। इसके अंदर मैं एक तो ट्रांसफार्मर रखूँगा और एक एम्पलीफायर बोर्ड रखूँगा। उसके बाद सारा जो हमारा सर्किट है उसको हटा दिया है मैंने। अब देख सकते हो भाई यहाँ जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर 12 वोल्ट आउटपुट जो है डायरेक्टली हमारा एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो इसके वायर आपको कट नहीं करने। उसके बाद देख सकते हो कि हमारे जो स्पीकर के वायर है वो डायरेक्टली पीछे वाले कनेक्टर के अंदर जा रहे हैं, इनको भी आपको कट नहीं करने, ये डायरेक्टली स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीन वायर जो आप देख सकते हो ये हमारे ऑडियो इन के हैं जो कि लेफ्ट राइट और बीच वाला जो भाइयों है वो हमारा है ग्राउंड का नेगेटिव वाला। तो देख सकते हो लेफ्ट राइट में हमारे लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए और यहाँ पर बीच वाला ग्राउंड का है। तो चलो भाई अब काम चालू करते हैं। अब यहाँ पर आप जो लीड कट कर चुके हो इसके अंदर से उसको वापस से आपको लेना है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जो इनपुट वायर है वहाँ पर इसको एक वायर को कनेक्ट करना है। अब भाई दूसरा वाला जो वायर है भाई मैं डायरेक्टली इस ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम स्विच से ऑन ऑफ करें। तो हम यहाँ पर स्विच कोई एक्सटर्नल नहीं लेंगे, हमारे डीवीडी प्लेयर के अंदर एक स्विच लगा होता है, इस स्विच का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे जो लीड आ रही है भाइयों उसका एक वायर हम स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया था। अब हमारा जो स्विच का दूसरा वाला वायर है उसको हमने ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। तो काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है भाइयों, हमने क्या करा है कि हमारे ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया है, बस बीच में एक स्विच कनेक्ट कर दिया है और स्विच जो हमारा डीवीडी प्लेयर के अंदर ही था। अब यहाँ पर हम एक टेप लेंगे और टेप से हमारे जो जॉइंट है उनको कवर कर देंगे। ये भाइयों आपको काम ज़रूर करना है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको शॉर्ट सर्किट लगने से बचाव मिलेगा, क्योंकि यार ये जो बॉडी है पूरी लोहे की है तो आपको झटका जरूर लगेगा क्योंकि तार अंदर की साइड में टच हुआ वो झटका मार देगा। अब यहाँ पर इस वायर के अंदर हम एक नोट लगा देंगे भाइयों। तो नोट लगाने का कारण ये है कि भाइयों ये जो वायर है बाहर खींचने में नहीं आएगा, अगर ये ज़्यादा खींचने में आ गया तो हमारे वायर टूट सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ब्लूटूथ कार्ड का यूज़ करूँगा, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है 60-70 रुपए के अंदर। इसके अंदर आप यूएसबी डायरेक्टली माइक्रो मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, डिस्प्ले मिल जाएगी, बटन मिल जाएंगे, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको। अब इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, इसके पीछे की साइड में तीन वायर दिखेंगे आपको जो कि हमारा दोनों साइड में लेफ्ट राइट और बीच में हमारा ग्राउंड होगा जो कि हमारा ऑडियो इन के अंदर जाएगा एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर 5 वोल्ट इनपुट होता है, तो हमारे पास 5 वोल्ट नहीं था तो हम 12 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पर मैंने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया है। इससे क्या होगा भाइयों, जो 12 वोल्ट है वो हमारा 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी सिंपल से आप देख सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ पर इस कार्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे की साइड में लगाएंगे जहाँ पर हमारा जो डीवीडी का झूला निकलता है ना बाहर की साइड में, उस जगह पर। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इसका जो है काफ़ी पतला सा होल था, तो यहाँ पर हम इसको घिस कर थोड़ा चौड़ा कर देंगे।
तो फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस होल को थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड है उसको इस टाइप से लगा सकते हैं। भाइयों इस ब्लूटूथ कार्ड की जो रेट काफ़ी कम होती है, लेकिन भाइयों इसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, यूएसबी लगा सकते हो, इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाएगी, आप इसमें बटन भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं इसके अंदर। अब इसके जो हमारे देख सकते हो तीन ऑडियो के जो वायर है उनको हम यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर लगा देंगे। इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, तीन वायर जो है ना भाइयों लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट के अंदर लगाना है, बीच वाला जो है बीच में लगा देना है वायर, ठीक है। और हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड होता है उसको पीछे की साइड में पलट के देखोगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा लेफ्ट राइट और बीच का ग्राउंड, तो उस टाइप से कनेक्शन कर देना और टेप से वापस इनको ज्वाइंट कर देंगे। तो फाइनली गाइज ये हमारा भी काम हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ब्लूटूथ कार्ड को हमें देना है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर निकालता है एसी करंट, लेकिन हमें चाहिए डीसी करंट। तो इसका जुगाड़ ये होगा कि एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर आप देख सकते हो इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा आपको, तो इससे हम डीसी करंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डायोड जो है हमारे डायोड के अंदर आपको व्हाइट कलर की जो पट्टी दिख रही होगी भाई इसके अंदर, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पर जो व्हाइट कलर की पट्टी लगी होगी डायोड के अंदर, दो डायोड के पास में, वो हमारा जो है प्लस टर्मिनल होगा, और दो डायोड के अंदर जो ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी लंबी सी वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा, इस टाइप से देख सकते हो। इसके अंदर हमने कनेक्शन कर दिया है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर काम हमारा पूरा खत्म हो चुका है, अब इसको पैक कर देंगे हम। तो भाइयों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे जुगाड़ लेके आता हूँ जिससे आपके पैसे बचने वाले हैं। अब भाई यहाँ पर मैं इसके अंदर 220 वोल्ट दूंगा और देख सकते हो मैंने इसको ऑन किया है यहाँ से बटन से, तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ कार्ड ऑन हो चुका है। अब भाई मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ एक स्पीकर जो कि काफ़ी बड़ी साइज का स्पीकर है। इसके अंदर मैं 500 वाट का स्पीकर लगाने वाला हूँ, देख सकते हो भाइयों 500 वाट का मैं इसके अंदर स्पीकर लगाऊंगा। और इसके लिए मैं पीछे की साइड में यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर है उनके अंदर दोनों स्पीकर के अंदर दोनों वायर को लगा दूंगा। अब भाई यहाँ पर इसको हम चालू करेंगे, जैसे ही चालू होगा ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन का सिग्नल आ जाएगा, मतलब ये आवाज़ करके बोल देगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर सॉन्ग चलाकर दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पर मैं NCS के म्यूजिक लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पर कोई कॉपीराइट ना आए। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्वालिटी में आवाज़ दे रहा है। अभी मैं अब यहाँ पर बोलना बंद करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं अगर बोलूँगा तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो देख सकते हो भाई कितना क्लियर आवाज़ आ रहा है। और इसके अंदर आप दो स्पीकर भी लगा सकते हो भाई, इसके अंदर आप दो स्पीकर लगा सकते हो। और देख सकते हो यार ये जो है बिल्कुल जुगाड़ से बनाया हमने। अगर आपको इसकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही, काफ़ी अटाले जैसे लग रही है, तो आप किसी बॉक्स के अंदर भी इसको फिट कर सकते हो पूरा का पूरा। और अभी इस स्पीकर के अंदर से आपको जो आवाज़ आ रही है उसकी और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ जाएगी जब इसको आप बॉक्स के अंदर पैक करके चलाओगे। तो भाई देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर जुगाड़ किया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लेना और कमेंट करके बताना आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो यार भाई आप सभी ने अभी यार देखा कितना पावरफुल यहाँ पर हमारा होम थिएटर बन के तैयार हो चुका है। और आप भी घर पे बना सकते हो पुराने खराब डीवीडी प्लेयर से इस टाइप का होम थिएटर। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। तो फाइनली गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत बाय एवरीबॉडी।